हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सौरभ कुलकर्णी। टुडे वी विल डिस्कस वन ऑफ द बेसिक एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ फिजिक्स, दैट इज़ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है, मैकेनिक्स का कोर पार्ट ही है। मैकेनिक्स के जितने भी टॉपिक हमारे सिलेबस में है उसमें से मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन प्लेन और उसके बाद आने वाला ये टॉपिक है जिसका नाम है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ओके, तो मैकेनिक्स का एक कोर पार्ट ही है ये टॉपिक। अगर आपको आ जाए तो समझ लेना आपने मैकेनिक्स बहुत अच्छे से किया है। ओके, मैकेनिक्स एक बड़ा सेक्शन है हमारे पूरे 11th हो या फिर 12th हो उसके सिलेबस का। तो अगर आपको मैकेनिक्स में हैंड बनाना है तो आपको इस टॉपिक को अच्छे से डील करना होगा। ये टॉपिक मैं अलग अलग मॉड्यूल्स में डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हूँ। इस टॉपिक का ये फर्स्ट मॉड्यूल है जो डील करता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और न्यूटन्स सेकेंड लॉ पर। सो लेट अस स्टार्ट दिस टॉपिक। सो स्टार्ट करते हैं हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को। इस टॉपिक को सिंप्लिसिटी के लिए मैंने दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन विदाउट फ्रिक्शन एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन विथ फ्रिक्शन। ओके, तो यहाँ पर हम विदाउट फ्रिक्शन पार्ट स्टडी करने वाले। तो सबसे पहले तो आपको पता होगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन टोटली डिपेंडेंट है फोर्स पर। तो फोर्स का डेफिनेशन हम देख लेते हैं। फोर्स इज द पुश और पुल विच टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। फोर्स क्या करता है? फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। ओके, तो कोई भी ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज करने वाला जो फैक्टर होता है उसे हम फोर्स कहते हैं। तो ये फोर्स का जनरल डेफिनेशन है। फोर्स पुल भी कर सकता है और पुश भी कर सकता है ऑब्जेक्ट को। उसके बाद फोर्स के कुछ हमें इफेक्ट्स देखना है। किसी भी बॉडी पर फोर्स जब अप्लाई होता है तो उस बॉडी पर क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं उसका एक कलेक्शन है जिसे इफेक्ट ऑफ फोर्स कहा जाता है। पहला इफेक्ट होता है चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हो तो वो मोशन में आ जाता है अगर हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। तो चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, ऑब्जेक्ट अगर मोशन में हो तो वो रेस्ट पर जा सकता है अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं। तो इसका एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ। जब हम बॉल का कैच पकड़ते हैं तो एट दैट टाइम बॉल ऑलरेडी मोशन में होता है और कैच पकड़ने के बाद वो रेस्ट पर चला जाता है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। थर्ड एग्जाम्पल है चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। आपको पता होगा अब जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो एट दैट टाइम बॉल बॉलर फेंकता है बैट्समैन की ओर और बैट्समैन उसे हिट करता है। तो एट दैट टाइम बॉल पहले भी मोशन में होता है हिट करने से पहले और बाद में भी मोशन में होता है। उस बॉल का क्या चेंज हो जाता है? डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ मोशन उस बॉल का चेंज हो जाता है। तो उसके लिए बैट्समैन को फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट है चेंज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेजिन करो आप कोई एक साइकिल पर एक आपका दोस्त जा रहा है एक कॉन्स्टेंट स्पीड से और जब आप उसे पीछे से जाकर धक्का दोगे तो एट दैट टाइम वो साइकिल बहुत ज़्यादा स्पीड में आ जाता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा, मतलब हम फोर्स जब अप्लाई करते हैं तो एट दैट टाइम उस ऑब्जेक्ट का स्पीड चेंज हो जाता है। पीछे से धक्का दोगे तो स्पीड बढ़ेगा और सामने से अगर उसे अगर आप अपोज करोगे तो स्पीड कम होने वाला है। तो स्पीड चेंज करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? फोर्स से, फोर्स की। ओके, और लास्ट है इफेक्ट ऑफ फोर्स चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। रबर बैंड का एग्जाम्पल पता होगा आपको। जैसे हम रबर बैंड पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो एट दैट टाइम रबर बैंड अपना शेप चेंज कर लेता है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ चेंज द स्टेट ऑफ चेंज द शेप एंड साइज। उसके बाद नेक्स्ट है फोर्स के कुछ टाइप्स देखना है हमें। देर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स, बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट होता है तो उस फोर्स को हम बैलेंस फोर्स कहते हैं और अगर किसी ऑब्जेक्ट पर अनइक्वल फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं ओके तो एट द टाइम उस फोर्सेस को हम अनबैलेंस फोर्स कह सकते हैं। अनबैलेंस फोर्स इफेक्ट ऑफ फोर्स शो करता है लेकिन बैलेंस फोर्स एक भी इफेक्ट ऑफ फोर्स शो नहीं करेगा, याद रखिएगा। और साइंटिस्ट न्यूटन ने जो थ्री लॉज हमें बताए, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ, ऑल दिस थ्री लॉज आर रिलेटेड टू द अनबैलेंस फोर्स। ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट। ओके, तो वैसे तो साइंटिस्ट न्यूटन ने तीन लॉज बताए हमें लेकिन हम इस सेक्शन में सिर्फ दो ही लॉ से डील करने वाले, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड न्यूटन्स सेकंड लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ टोटली डिपेंड्स ऑन इनर्शिया। इनर्शिया मीन्स द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेज द चेंज इन स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज इनर्शिया। इनर्शिया एक हर एक बॉडी का ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो अपने स्टेट चेंज करते वक्त कुछ अपोजिशन क्रिएट करता है। ये अपोजिशन लिविंग थिंग भी क्रिएट कर सकते हैं और नॉन लिविंग थिंग भी कर सकते हैं। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बॉडी का जिसे हम उस बॉडी से अलग नहीं कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द इनर्शिया। ओके, तो इस इनर्शिया को हम थ्री टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का डेफिनेशन हम बता सकते हैं, द अपोजिशन टू द चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ओके, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है और उसका स्टेट अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो एट दैट टाइम जो अपोजिशन वो बॉडी क्रिएट करेगा उसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहा जाता है। जैसे फैन
को जब हम स्विच ऑन करते हैं तो एट दैट टाइम फैन सडनली मैक्सिमम स्पीड अटेन नहीं करता है, इट टेक्स सम टाइम। एट दैट टाइम फैन अफोर्ड्स द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और भी एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ मैं आपको, बहुत सारे एग्जाम्पल है लेकिन कुछ सेलेक्टेड एग्जाम्पल दे सकते हैं हम। जैसे आपको पता होगा जैसे बस स्टार्ट होता है, आप बस में बैठे हो और ड्राइवर ने बस स्टार्ट किया, तो एट द टाइम आपके ऊपर बैकवर्ड जर्क लगता है, आप पीछे चले जाते हो, तो ये एग्जाम्पल भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट का है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है इनर्शिया ऑफ मोशन। द अपोजिशन टू द चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज इनर्शिया ऑफ मोशन। तो ऑब्जेक्ट अगर मोशन में हो तो वो जल्दी से रुकता भी नहीं है, ओके, और उसे रुकने के लिए कुछ समय लगता है, वो जल्दी से स्टॉप नहीं हो सकता है सडनली मोशन के स्टेट में से। तो एट दैट टाइम वो बॉडी जो इनर्शिया अफोर्ड करता है उसे इनर्शिया ऑफ मोशन कहा जाता है। जैसे आपको पता होगा जो भी एथलेटिक्स रनिंग करते हैं, एट दैट टाइम आपने देखा होगा फिनिश लाइन आने के बाद भी वो दौड़ते रहते हैं, आगे कुछ देर तक वैसे ही दौड़ते रहते हैं, उनको उसके कुछ अलग मार्क्स या फिर अलग पॉइंट्स काउंट नहीं होते, लेकिन तभी भी वो दौड़ते हैं। क्यों दौड़ते हैं ऐसा वो? क्योंकि वो अगर सडनली स्टॉप हो जाए तो एट द टाइम उनके बॉडी पर एडवर्स इफेक्ट हो सकता है और उनका बॉडी जल्दी से रुक नहीं सकता है। इनकेस अगर कोई ऐसा पर्सन रुकना चाहता है तो एट द टाइम वो हार्ट अटैक से फेल मतलब ओटेट भी हो सकता है। तो इस कारण कोई भी बॉडी सडनली मैक्सिमम स्पीड भी अटेंड नहीं कर सकती और सडनली जीरो स्पीड भी अटेंड नहीं कर सकती, रेस्ट पर भी नहीं जा सकती है। तो इन दिस केस जो इनर्शिया ऑफोर्ड होगा उसे इनर्शिया ऑफ मोशन कहा जाता है। और एक एग्जांपल दे सकता हूँ अगर ये समझ में नहीं आया तो, जैसे बस मोशन में है और सडनली अगर ड्राइवर इमरजेंसी ब्रेक लगा दे तो एट दैट टाइम हम सभी आगे की ओर झुक जाते हैं और एक फॉरवर्ड जर्क लगता है हमें। सो दिस हैपन्स ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है डायरेक्शन। तो जैसे आपको पता होगा अगर कोई बॉडी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है तो अपना डायरेक्शन चेंज करते वक्त भी अपोजिशन क्रिएट करता है, दिस अपोजिशन इज कॉल्ड एज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसका एग्जाम्पल मैं बता सकता हूँ आपको, वेन नाइफ इज शार्पन एट द टाइम स्पार्क्स आर कम्स आउट, दिस हैपन्स ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आपको पता होगा जो भी हमारे नुकीली चीज़ें होते हैं जैसे नाइफ हो या फिर कैची हो, तो उसको जब हम धार लगाते हैं तो एट द टाइम आपने देखा होगा स्पार्क निकलते हैं। ओके, तो ये स्पार्क किस वजह से निकलते हैं? ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। या फिर कोई भी एक व्हीकल का एग्जाम्पल ले सकते हो आप, अगर एक व्हीकल सीधे लाइन में जा रहा है और सडनली उसे अगर अपना डायरेक्शन चेंज करना हो तो इतना जल्दी वो कर नहीं पाता है, एंड इट टेक्स सम टाइम। सो एट द टाइम द व्हीकल अफोर्ड्स द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सो दीज आर द थ्री बीट्स रिलेटेड टू द इनर्शिया। ओके, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ऑलवेज रिमेंबर दिस। ओके, इसके बाद देखिएगा आप इनर्शिया पर डिपेंडेंट न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है जो हमें कहता है एवरी बॉडी ट्राई टू बी कंटिन्यू इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एंड अनटिल एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट्स ऑन इट। जब तक किसी बॉडी पर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं होता है तब तक बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी, जब तक हम उसके ऊपर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं करते तब तक। ओके, तो यह न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ जो रिलेट करता है इनर्शिया से। उसके बाद नेक्स्ट है न्यूटन्स सेकंड लॉ जो डील करता है मोमेंटम से। मोमेंटम आपको पता होगा द टोटल मोशन कंटेन विद इन अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। मोमेंटम इज डिनोटेड बाय पी। मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। ओके, तो ये रहेगा मोमेंटम का बीट। मोमेंटम का ऐसा यूनिट आएगा केजी मीटर पर सेकेंड। ओके, और सीजेस यूनिट आएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस मोमेंटम पर डिपेंडेंट न्यूटन्स का सेकंड लॉ है। ओके, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड एक्ट्स इन द डायरेक्शन इन विच फोर्स इज एक्टेड। ओके, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब भी मोमेंटम का अगर हम डेरिवेटिव ले लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो एट द टाइम हमें क्या मिलेगा? फोर्स मिलेगा। तो यही कहता है हमें न्यूटन्स का सेकंड लॉ, एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। ठीक है, तो इस पी की जगह हम एम वी पुट कर सकते हैं तो ये आ जाएगा एम इंटू डी वी बाई डी टी, और डी वी बाई डी टी मतलब भी ए होता है जिसे हम एक्सेलरेशन से डिनोट करते हैं। सो फोर्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू एक्सेलरेशन, दिस इज कॉल्ड द न्यूटन्स सेकंड लॉ। ओके, तो यही कहता है हमें न्यूटन सेकंड लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस ऐसा यूनिट आएगा उसका न्यूटन और सीजेस यूनिट आएगा उसका डाई। ठीक है, तो देखो अब अगर हम पी की जगह एम वी पुट कर दें तो एट द टाइम अगर वी कॉन्स्टेंट रहा तो आप फोर्स इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ओके, सॉरी, अगर मास कांस्टेंट रहा तो आप एट द टाइम ये फॉर्मूले से फोर्स निकाल सकते हो एम इंटू डी वी बाई डी टी प्लस अगर अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है तो वी इंटू डी एम बाई डी टी इस फॉर्मूले से आप फोर्स निकाल सकते हो, और दोनों भी क्वांटिटी अगर वेरिएबल हो तो इस जनरल फॉर्मूले से आप फोर्स को निकाल सकते हो जो मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, इफ़ एम इज़ कॉन्स्टेंट देन फोर्स इज कैलकुलेटेड बाई एम इंटू डी वी बाई डी टी,
इफ वी इज कॉन्स्टेंट देन एफ इज कैलकुलेटेड बाई वी इन टू डी एम बाई डी टी. ठीक है, सो ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट. इसके बाद कुछ कन्वर्जन फोर्स के, 1 kg वेट इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन. याद रखना ये kg वेट में कभी कभी फोर्स को मेजर किया जाता है, उसे न्यूटन में कन्वर्ट करना हो तो हमें 9.8 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. और वही अगर वो ग्राम वेट में हो और उसे अगर हमें डाइन्स में कन्वर्ट करना हो तो एट द टाइम 980 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. और 1 न्यूटन का वैल्यू क्या आएगा, 10^5 डाइन. ये जनरल कन्वर्जन रिलेटेड टू द फोर्स. इसके बाद एक इंपॉर्टेंट बिट है जिसका नाम है इम्पल्स. ओके, इम्पल्स मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम में कितना फोर्स एक्ट हो रहा है. ओके, इसके रिलेटेड जो कैलकुलेशन होता है उसे इम्पल्स कहा जाता है. इम्पल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इन टू टाइम. ठीक है, तो इस फोर्स को हम एम इन टू वी माइनस यू बाई टी डिनोट कर सकते हैं, और इन टू टी अगर किया तो टी टी कैंसिल हो जाएगा. सो आई इज इक्वल टू एम इन ब्रैकेट वी माइनस यू हमें मिलेगा. दिस इज कॉल्ड द इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम. इस एम इन ब्रैकेट वी माइनस यू टर्म को हम चेंज इन मोमेंटम कहते हैं. सो इम्पल्स इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम. दैट्स वाई डायमेंशन ऑफ इम्पल्स एंड डायमेंशन ऑफ मोमेंटम आर सेम. लेकिन हम कौन से मोमेंटम की बात कर रहे हैं, लीनियर मोमेंटम. ओके, तो इसका एस यूनिट आएगा इम्पल्स का न्यूटन सेकेंड, और सीजीएस यूनिट आएगा इसका डाइन सेकेंड. ठीक है, तो ये कंसेप्ट है इम्पल्स का. और इस इम्पल्स टाइम ग्राफ का, सॉरी फोर्स टाइम ग्राफ का अगर हम एरिया निकाल दें, एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ गिव्स द इम्पल्स. तो अगर आपको किसी ग्राफ में फोर्स और टाइम का वेरिएशन दिया है और उस ग्राफ का अगर हम एरिया निकाल दें तो हमें क्या मिलेगा, इम्पल्स मिलेगा. याद रखना. और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है लास्ट, अगर एक बॉल थ्रो करते हैं हम इन द ट्रेन इन अपवर्ड डिरेक्शन देन द बॉल विल फॉल. अब देखो ट्रेन में आप बैठे हो, इमेजिन करो, और आपने ट्रेन के अंदर बैठकर एक बॉल ऊपर फेंका है तो कभी वो बॉल आपके पीछे भी गिर सकता है, आगे भी गिर सकता है, और आपके हाथ में वापस भी आ सकता है. वो कब कैसे और क्या होगा, इसके कुछ पॉइंट्स मैंने दिए हैं. ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर MCQs में आते हैं, याद रखिएगा. बैक टू हैंड इफ ट्रेन इज एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन. अगर उस ट्रेन रेस्ट पर है और यूनिफॉर्म मोशन में हो तो दोनों केस में अपने हाथ में वो बॉल फिर से वापस आ जाएगा, अगर ट्रेन रेस्ट पर हो या फिर यूनिफॉर्म मोशन में हो तो. ओके, अहेड ऑफ द पैसेंजर, पैसेंजर के सामने गिरेगा अगर ट्रेन रिटार्डिंग कर रहा है. रिटार्डेशन अगर ट्रेन का हो रहा है, ट्रेन का स्पीड अगर कम हो रहा है, तो एट दैट टाइम वो आपके सामने गिरने वाला है बॉल. ओके, और पीछे गिरने वाला है इफ द पैसेंजर इफ द ट्रेन इज एक्सेलरेटिंग. ट्रेन अगर एक्सेलरेट हो रहा है तो एट दैट टाइम वो बॉल कहाँ पर गिरेगा, पीछे गिरेगा. सो दिस इज द कंसेप्ट रिलेटेड टू द बॉल थ्रोन इन द ट्रेन. ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट. इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इन सभी सेक्शंस पर अब हमें न्यूमेरिकल्स लेना है. एक एक करके देखते हैं हम. तो स्टार्ट करते हैं हम इस टॉपिक के न्यूमेरिकल को. फर्स्ट न्यूमेरिकल है, इफ अ कॉन्स्टेंट फोर्स ऑफ 800 न्यूटन प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी, व्हाट इज इट्स मास. ओके, इफ द बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल इन 10 सेकेंड. तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. मास निकालना है तो एम इज इक्वल टू एफ बाई ए. तो एफ का वैल्यू 800 दिया है, सीधा सीधा पुट कर दिया, ए का वैल्यू 5, तो आंसर आ जाएगा 160 kg. तो डिस्प्लेसमेंट भी निकालना हमें, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर. इनिशियली वो रेस्ट पर, इस कारण यू का वैल्यू 0 आएगा, तो हाफ 80 स्क्वायर, हाफ इंटू 5 इंटू 10 स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा 250 मीटर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं. अब फोर्स एफ डैश इज इक्वल टू 6i कैप माइनस 8j कैप प्लस 10k कैप न्यूटन प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ √2 m/s² इन अ बॉडी, कैलकुलेट द मास ऑफ बॉडी. तो यहाँ पर भी मास निकालना है, तो यहाँ पर आपको फोर्स वेरिएबल फॉर्म में दिया, इन द फॉर्म ऑफ IJK. ओके, तो इस कारण हमें इस फोर्स का मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा. ऐसे क्वेश्चन में याद रखिएगा, मैग्नीट्यूड लेकर फोर्स से डील करिएगा. तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या आएगा, √6² + 8² + 10² ओके, और √2 से हम डिवाइड करने वाले हैं, तो फाइनल आंसर आ जाएगा इसका 10 kg. इस पूरे ऊपर वाले फ्रैक्शन का आंसर 10√2 आता है, तो √2 कैंसिल हो जाता है और फाइनल आंसर मिलता है 10 kg. दिस इज द मास ऑफ दैट बॉडी. क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अ 5 kg ब्लॉक इज रेस्टिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस प्लेन इफ इट इज स्ट्रक बाय अ जेट रिलीजिंग वाटर एट द रेट ऑफ 3 kg/s इमर्जिंग विथ अ स्पीड ऑफ 4 m/s. कैलकुलेट द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक. तो याद रखिएगा, एक जेट है, जेट मतलब पानी का पाइप है बड़ा सा, जो कुछ रेट से पानी को थ्रो कर रहा है एक ब्लॉक के ऊपर. ओके, तो इस वजह से वो ब्लॉक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है और वो कुछ मूवमेंट करने वाला है अपना. उस ब्लॉक का मास 5 kg दिया है,
तो हमें उस ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है। सीधा सीधा क्वेश्चन है। अब देखो वो जेट जो पानी रिलीज कर रहा है तो वो कुछ प्रेशर से पानी बाहर आ रहा है, ओके, और उस वजह से कुछ फोर्स जनरेट होने वाला है उस ब्लॉक के ऊपर। तो वो पानी कितने रेट से बाहर आ रहा है, 3 kg/s, और कितना स्पीड है उस पानी का, 4 m/s, ठीक है। तो क्या हम यहाँ पर फोर्स निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, एफ इज इक्वल टू वी इंटू डी एम बाई डी टी। तो ये डी एम बाई डी टी मतलब भी 3 kg/s है, मास अपॉन टाइम डी एम बाई डी टी, तो वो 3 आएगा। उसके बाद वी का वैल्यू 4 जो उन्होंने दिया था, तो 3 × 4 12 N। तो उस पानी के फोर्स की वजह से वो ब्लॉक कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, 12 N, और उस ब्लॉक का मास कितना है, 5 kg। तो क्या हम उस ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं बाय यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ। सो ए इज इक्वल टू आ जाएगा एफ बाई एम, तो आंसर आएगा 12/5, दैट इज 2.4 m/s², ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर जाते हैं। अ फोर्स ऑफ 50 N एक्ट्स इन द डायरेक्शन एज शोन इन फिगर। द ब्लॉक इज ऑफ मास 5 kg रेस्टिंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है हमें। अब ये फोर्स इंक्लाइन डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है इस ब्लॉक के ऊपर, 60 डिग्री इसका कुछ एंगल दिया है वर्टिकल के साथ। तो यहाँ पर जो ऊपर से नीचे डायरेक्टेड कंपोनेंट रहेगा वो रहेगा 50 cos θ, और अलोंग द मोशन इसका डायरेक्शन रहेगा 50 sin θ। इस कारण नेट फोर्स जो एक्सेलरेशन जनरेट करेगा ए को, तो उसका वैल्यू कितना आएगा, एफ साइन थीटा, दैट इज 50 sin 60। तो इसका आंसर आएगा 50 × √3/2 N। तो यही फोर्स एक्सेलरेशन, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम। अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 g इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 12 m/s एंड इज हिट बाय अ बैट सो दैट द बॉल गेट्स टर्न बैक विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 m/s। इफ द डायरेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द बॉल एंड द बैट इज 0.01 सेकेंड, फाइंड द इम्पल्स एंड द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल बाय द बैट, ठीक है। तो एक बॉल है जो आते समय उसका स्पीड 12 m/s है और जाते समय उसका स्पीड 20 m/s है। तो आने के वेलोसिटी को अगर हम प्लस लेते हैं तो फिर जाने की वेलोसिटी को हमें माइनस लेना पड़ेगा, आ रहा है समझ में, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में अगर एक डायरेक्शन में अगर प्लस लेते हैं हम तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें साइन माइनस लेना पड़ेगा। इस कारण यहाँ पर इम्पल्स निकाला हमें, तो इम्पल्स का फॉर्मूला चेंज इन मोमेंटम एम इन ब्रैकेट वी माइनस यू होगा, ओके। तो मास का वैल्यू 0.15, क्योंकि ये ग्राम में दिया था 150 g, तो उसे kg में कन्वर्ट किया, 0.15 आ गया। इन ब्रैकेट 20 माइनस ऑफ माइनस 12 क्यों किया, क्योंकि एक वेलोसिटी को प्लस 20 ले रहे हैं हम तो दूसरे वेलोसिटी को माइनस 12, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस बन जाएगा, तो 32 × 0.15 आंसर मिलेगा 4.8 N/s। सो दिस इज द इम्पल्स इन दिस कंडीशन। आफ्टर नेक्स्ट बिट दे आस्क इज एवरेज फोर्स। तो एवरेज फोर्स पता है आपको, इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम होता है, तो फोर्स इज इक्वल टू इम्पल्स अपॉन टाइम आएगा, ओके। और इसका कॉन्टैक्ट का टाइम भी दिया था 0.01 सेकेंड, तो आंसर आ जाएगा 4.8/0.01, दैट इज 480 N। सो दिस इज द फोर्स एक्ट ऑन दैट बॉल। नेक्स्ट है, अ बॉल ऑफ 0.20 kg हिट्स अ वॉल विथ अ वेलोसिटी ऑफ 25 m/s एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। इफ द बॉल रिबाउंड्स एट 90 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल। तो एक बॉल है जो वी वेलोसिटी से जा रहा है, मास से उसका एम होगा, और वो हिट करने के बाद 90 डिग्री एंगल से बाहर निकलने वाला है, ओके, रिबाउंड होने वाला है, ठीक है। तो डेफिनेटली ये एंगल कितना रहेगा, 45, और नीचे वाला भी 45, क्योंकि टोटल एंगल 90 डिग्री इन दोनों के बीच का, तो ये हाफ एंगल 90 रहेगा और 45 रहेगा और रिमेनिंग हाफ 45। तो इसका थीटा से रिलेटेड कॉम्पोनेंट ये वाले आने वाले मोमेंटम का, इसका मोमेंटम हम क्या निकल सकते हैं, एम वी, ओके। तो एम वी का डायरेक्शन कुछ ऐसा है इंक्लाइन, तो उसका अगर हम ये डायरेक्शन ले लें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो वो कितना होगा, एम वी कॉस थीटा, और वो किस ओर जाने की कोशिश करेगा, इस ओर, तो उसे हम प्लस ले लेते हैं। और जब वो वापस जाएगा तो एट द टाइम उस कॉम्पोनेंट को हम किससे डिनोट करने वाले, माइनस एम वी कॉस थीटा, ओके। तो पिछली बार की तरह ही प्रॉब्लम है, चेंज इन मोमेंटम यहाँ पर सिर्फ निकालना है, तो इनिशियल मोमेंटम एम वी कॉस थीटा आएगा और फाइनल मोमेंटम भी एम वी कॉस थीटा, लेकिन उसका डायरेक्शन माइनस होगा, सो माइनस ऑफ माइनस प्लस बन जाएगा, आंसर आएगा +2 mv cos θ, ओके। माइनस भी आ सकता है, कुछ डाउट नहीं, अगर आप पहले वेलोसिटी को अगर आप माइनस ले लेते हैं और दूसरे वेलोसिटी को प्लस ले लेते हैं तो इसका आंसर -2 mv cos θ भी आ सकता है, सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड निकालना है यहाँ पर। तो आंसर आएगा 2 mv, तो मास का वैल्यू 0.2, वेलोसिटी का 25 और कॉस 45 1/√2, तो फाइनल आंसर मिलेगा 5√2 N/s, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर जाते हैं। फिगर शोज एन एस्टिमेटेड फोर्स टाइम ग्राफ फॉर अ बेसबॉल स्ट्रक बाय अ बैट। फॉर दिस कर्व डिटरमाइन इम्पल्स डिलीवर्ड टू द बॉल, एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल। तो ये ग्राफ दिया आपको कुछ ऐसा, ये दिस इज द फोर्स वर्सेज टाइम ग्राफ,
और मैंने आपको बताया था जब ये टॉपिक का थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ाया था तब, कि जब हम फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया निकालते हैं तो एट द टाइम हमें इम्पल्स मिलता है, तो इम्पल्स इज इक्वल टू एरिया अंडर एफ टी ग्राफ, एफ टी कर्व। तो इस ये एक ट्रैंगल है ए बी सी, तो इसका एरिया क्या आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका बेस क्या होगा, ए टू सी होगा, तो सी की ओर टाइम 2.5 और ए की ओर टाइम 1 है, तो 2.5 - 1 इतना होगा टाइम, ये रहेगा बेस इस ट्रैंगल का। और हाइट कितना आएगा इसका, 18,000। ओके, तो 18,000 इंटू 2.5 - 1, तो इसे सॉल्व करने के बाद आंसर मिलेगा 1.35 इंटू 10^4 kgm/s। सो दिस इज द इम्पल्स इन दिस कंडीशन। अब एवरेज फोर्स पूछा है, तो एवरेज फोर्स का वही फॉर्मूला जो पिछली बार यूज़ किया, इम्पल्स अपॉन टाइम, तो इम्पल्स का वैल्यू उसके बाद टाइम का वैल्यू पुट कर दिया, फाइनल आंसर आ गया 9,000 न्यूटन। ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अब अ बॉल ऑफ मास 200 ग्राम फॉल्स ऑन द फ्लोर फ्रॉम अ हाइट 20 मीटर एंड रिबाउंड्स टू अ हाइट ऑफ 0.8 मीटर, वॉट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन द बॉडी इफ द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द बॉडी विद द ग्राउंड इज 0.01 सेकेंड। तो एक बॉल है सीधा सीधा 20 मीटर से ड्रॉप कर रहे हैं और वो रिबाउंड होता है कुछ हाइट पर, और वो हाइट दिया है 0.8 मीटर। तो इस कंडीशन में हमें निकालना है फोर्स। ओके, तो थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज़ करते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ठीक है, पहले कंडीशन में तो h हाइट से उसे ड्रॉप किया था, इस कारण s का वैल्यू -20 आ गया। ठीक है, a का वैल्यू -10 m/s² क्योंकि वो नीचे जा रहा है, और u का वैल्यू 0 लेना है हमें। ठीक है, तो ये सभी वैल्यूज पुट करने के बाद आंसर आएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। ओके, मतलब ये आंसर मिलेगा 20 m/s। तो उसका फाइनल वेलोसिटी ग्राउंड को हिट करने से पहले 20 m/s होगा। अब देखो यही कंडीशन हमें फिर से यूज़ करना है, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। ओके, लेकिन अब बॉल ऊपर जाएगा दूसरे कंडीशन में, वो जब रिबाउंड होगा तो एट द टाइम वो ऊपर जाने वाला है, तो उसका वेलोसिटी हमें अगर एक का प्लस ले लेते हैं हम तो दूसरे का माइनस लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि बॉल नीचे आते वक्त उसका वेलोसिटी अगर हम प्लस लेते हैं तो ऊपर जाते वक्त डेफिनेटली हमें माइनस लेना पड़ेगा। तो इस कारण यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, जी का वैल्यू 10, एच का वैल्यू 0.8। तो इसे सॉल्व करने के बाद आंसर मिलेगा 4 m/s। ठीक है, तो फोर्स निकालना है, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, दैट इज एम इन ब्रैकेट वी माइनस यू बाई टी। ठीक है, तो एम का वैल्यू 0.2, वी का वैल्यू फाइनल वेलोसिटी 4 रहेगा, माइनस ऑफ -20। तो आंसर आ जाएगा इसका पूरा सॉल्व करने के बाद 480 न्यूटन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, अ मशीन गन फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम विथ अ वेलोसिटी 1000 m/s। इफ द एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द गन इज 200 न्यूटन, देन फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर मिनट। तो कितने बुलेट्स वो फायर कर रहा है पर मिनट में, वो निकालना है हमें। ठीक है, तो देखो आप, नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर मिनट इज इक्वल टू, इसे निकालने का ये फॉर्मूला है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन गन इज इक्वल टू द एन बुलेट्स फायर्ड इंटू मास ऑफ वन बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो जो मोमेंटम बुलेट का होगा वही मोमेंटम गन का होगा, क्योंकि गन बुलेट के मोमेंटम को बैलेंस करता है। इस कारण यहाँ पर जो फोर्स गन की ओर लगने वाला है वो दिया था उन्होंने 200 न्यूटन, जिसको हम एफ जी से डिनोट कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ बुलेट्स निकालना है, तो नंबर ऑफ बुलेट्स इंटू मास ऑफ वन बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ओके, तो मास इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट मतलब ये बुलेट का मोमेंटम हुआ। ओके, और उसे अगर एन से मल्टीप्लाई किया तो एन बुलेट्स का मोमेंटम मिल जाएगा हमें। तो एन बुलेट का मोमेंटम कौन बैलेंस करने वाला है, गन का फोर्स। ठीक है, तो एन का वैल्यू निकालना है हमें, एन इज इक्वल टू एफ जी बाय एम बी इंटू वी बी आएगा। सभी वैल्यूज दिए, फोर्स का वैल्यू गन के ऊपर कितना है 200, 0.05 ये मास रहेगा गन का, क्योंकि 50 ग्राम दिया था केजी में किया, तो वो 0.05 बुलेट का मास रहेगा, सॉरी, और 1000 उसका स्पीड है। ठीक है, तो वो सॉल्व करने के बाद 4 per s आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये वेलोसिटी मीटर पर सेकंड होता है, इस कारण हमारा फाइनल आंसर 4 per s आ रहा है। तो 4 bullets वो पर सेकेंड फायर करने वाली गन, तो हमें पर मिनट में पूछा है कैलकुलेशन। तो एक सेकेंड में वो अगर 4 bullets फायर करती है तो एक मिनट में कितने करने वाली है, 240। सो 4 × 60 आंसर आ जाएगा 240। तो इतने बुलेट्स वो फायर करने वाली है गन। ओके, उसके फोर्स को बैलेंस करने के लिए लास्ट प्रॉब्लम है। अब अ मशीन गन हैज़ अ मास ऑफ 20 kg, इफ़ इट फायर्स 35 ग्राम बुलेट्स एट द रेट ऑफ 400 bullets per minute विथ अ स्पीड ऑफ 400 m/s, वॉट एवरेज फोर्स मस्ट बी अप्लाइड टू द गन टू कीप इट इन पोजिशन। ठीक है, तो अब गन को कितना फोर्स एक्सर्ट करना है वो हमें निकालना है। अब यहाँ पर पिछले प्रॉब्लम की तरह ये फोर्स इज इक्वल टू एन इंटू एम बी इंटू वी बी होगा। तो एन का वैल्यू देखो यहाँ पर जो दिया है वो 400 कितने बुलेट्स वो फायर करी गन, 400 bullets per minute है। तो उसे पर सेकंड में चाहिए होता है हमें कैलकुलेशन, जब हम ये फॉर्मूला यूज़ करते तब।
तो 400/60 कर दिया इनटू मास ऑफ बुलेट, तो मास ऑफ बुलेट पता है आपको 35 ग्राम है, तो उसे केजी में किया 1000 से डिवाइड करने के बाद, और वेलोसिटी ऑफ बुलेट 400 मीटर पर सेकेंड, सीधा सीधा, तो वो जस्ट पुट कर दिया। तो इसे सॉल्व करने के बाद फाइनल आंसर आ गया हमारा 93.34 न्यूटन। तो ये रहेगा फाइनल आंसर। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट मॉड्यूल ख़त्म होता है। थैंक यू, नेक्स्ट मॉड्यूल ज़रूर देखिएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और कुछ कमेंट भी आप दे सकते हो अगर आपको कुछ किसी क्वेश्चन में या किसी बीट में प्रॉब्लम रहा तो। ओके, सो थैंक यू।